हेलो फ्रेंड, तो आपके सामने लेकर आ गए हैं सेक्शन सी। और इस सेक्शन सी में किस तरीके के क्वेश्चंस है उसको वन बाय वन करके हम देख लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगर यहाँ पर देखेंगे कि ये सेक्शन सी का पहला जो क्वेश्चन है उसमें दिया है I5, I10 और I15 का सम दिया हुआ है। तो देखिए, I5 को मैं I^4 × 1 लिख दूंगा, I10 को I^4 × 2 + I × I² और प्लस 15 को 4 × 3 × I³। आप आई स्क्वायर वाला टर्म भी यूज कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे समझा दूँ, यहाँ पर जैसे आई स्क्वायर के ऊपर अगर 2 पावर रख दिए तो 4 पावर हो गया, 1 I बचा तो यहाँ पर I रख दिए, प्लस यहाँ पे आई स्क्वायर रख दिए उसके ऊपर 5 पावर रख दिए, और प्लस आई स्क्वायर रख दिए यहाँ पर 7 रखेंगे तो 14 और 1 I आ गया। सिंपल है, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 है, -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 उसके ऊपर 5 पावर है, और यहाँ आई स्क्वायर की वैल्यू 7 है, पावर और आई है। यहाँ पे आप देखोगे तो आपकी यहाँ पे वैल्यू कितनी हो रही है, स्क्वायर है तो पॉजिटिव हो गया, सिर्फ आई हो गया। यहाँ पे तो वैल्यू है, माइनस पे ऑड पावर होता है तो -1 हो गया। फिर बाद में यहाँ पर क्या हो गया, ऑड पावर, देखो ऑड पावर है तो -1 ही रहेगा, -1 पे 7 पावर तो माइनस रहेगा और -I आ जाएगा, तो ये -I और ये +I कैंसल, बच गया क्या, -1। तो इस तरीके से सॉल्व करके भी बता सकते हैं, देखो यहाँ पे -1 आंसर भी आया है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो है वो है क्वेश्चन नंबर 2, क्या बोला है, फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ XY। अभी यहाँ पर इसको सबसे पहले इसको सॉल्व करो, देखो इसको सॉल्व किया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की तरह, फिर बाद में ये रियल पार्ट इक्वल टू 2 हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू -5 हो जाएगा। देखो यहाँ पे किया भी है, फिर इनको सॉल्व किया है तो x की वैल्यू -3/2 और y की वैल्यू अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो y की वैल्यू क्या आ गया है, -7/2 आ गया है। यहाँ पे सिंपली सॉल्यूशन है, अभी इतना ज़्यादा इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 3 नंबर का क्वेश्चन, तो क्या दिया हुआ है, देखिए Z1 दिया है, Z2 दिया है, क्या दिया हुआ है, Z1 दिया है और Z2 दिया है। आपको इमेजिनरी पार्ट 1/Z1 कंजुगेट दिया है, तो सबसे पहले क्या करो, देखो Z1 और Z1 बार जो अगर होता है तो सीधे मॉडुलस Z² हो जाता है, ठीक है, मॉडुलस Z² हो जाता है। अभी यहाँ पर देखोगे तो 2 - I, यहाँ पर जेड को ये Z1 ले रहा है, ठीक है, सिंपली में Z1 है यहाँ पे, तो Z1 2 - I है उसका होल स्क्वायर, इसका मतलब √2 - 1² और होल स्क्वायर है तो अंडर रूट भी हट जाएगा, ये 4 हो गया प्लस 1 हो गया, इसकी वैल्यू आ गई 1/5, ठीक है। अब यहाँ पर देखो वैल्यू आई 1/5, तो आप लिखोगे कैसे, जेड इक्वल टू क्या लिखते हो, 1/5, फिर उसके बाद से क्या लिखोगे, प्लस I × 0। तो इसमें इमेजिनरी पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या है, मान लो ये जो है वो पूरा एक जेड हो तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या है, 0 ही है ना, तो यहाँ पर 0 आ गया, क्लियर। इमेजिनरी पार्ट मतलब I के साथ जो वैल्यू होती है वो, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है, सिंपली उसी को इसको भी उसी तरीके से करना है। सिंपली अगर मैं बोलूं तो आप यहां पर आई को 77 है ना, तो 35 और प्लस 3 38 पावर कर दो, पहले स्क्वायर पे 38 पावर करो, क्लियर, प्लस आई स्क्वायर पे आप 35 पावर कर सकते हो, 70 हो जाएगा, प्लस आई स्क्वायर के ऊपर, अच्छा एक आई भी बचेगा क्योंकि ये 38 × 2 करोगे तो आपका 76 होगा, इंटू एक आई आ जाएगा, यहाँ आई स्क्वायर के ऊपर देखो 43 कर सकते हो, 43 × 2 = 86 हो जाएगा, इंटू एक आई 87 हो गया, प्लस आई पे स्क्वायर करो, स्क्वायर पे अगर 2 से डिवाइड करो तो 2 × 1 = 2 = 7 इतना होगा, और इन सब के ऊपर 3 पावर है, क्लियर। अब यहाँ पे देखोगे इस वैल्यू को अगर रखूं, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 उसके ऊपर 38 पावर है इंटू आई है, ठीक है, फिर यहाँ पर आई स्क्वायर की वैल्यू -1 35 पावर है, फिर यहाँ -1 उसके ऊपर 43 पावर प्लस आई है इंटू आई है,
अब प्लस यहाँ पे आई स्क्वायर की वैल्यू -1 और इसके ऊपर 207 पावर है, फिर क्यूब है। अभी यहां पर देखो इवन पावर है तो पॉजिटिव हो जाएगा, सिर्फ आई बचेगा। यहाँ पे ऑड पावर है तो -1 बचेगा, यहाँ पे इवन पावर ऑड पावर है तो माइनस रहेगा और आई आ गया, फिर यहाँ पर ऑड पावर है तो -1 हो जाएगा, और इनके ऊपर पावर कितना है 3। देखो ये माइनस आई, ये पॉजिटिव है, कैंसल, आया क्या -2 पे क्यू आ गया, आपकी वैल्यू क्या आ गई -8 आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। देखो आंसर भी वही आया होगा -8, देखें यहाँ पर देखो सिंपल है। नेक्स्ट की अगर बात करेंगे 5 नंबर का, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात कर रहे हैं। इस वैल्यू का आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है, सिंपल सा बोला जाए तो जेड इनवर्स बताना है। और जेड इनवर्स का अगर मैं बोलूं, जेड इनवर्स का तो कंजुगेटेड जेड अपॉन मॉडुलस जेड का स्क्वायर होता है। पहले तो आपको कंजुगेटेड जेड निकालना होगा, कंजुगेटेड क्या हो जाएगा तो 1 + i हो गया। अच्छा मॉडुलस जेड क्या होगा, अंडर रूट 1² + 1² कितना हो गया √2, और मॉडुलस जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर जेड इनवर्स का फॉर्मूला लिखो, जेड बार अपन मॉडुलस जेड स्क्वायर हो जाएगा, इसकी वैल्यू है 1 + i और इसकी वैल्यू है 2, तो ये आपका हो गया। जेड इनवर्स क्या हो गया 1/2 + 1/2 × i, ये फॉर्मूला हो गया। देखो वही दिया भी है, जेड इनवर्स की वैल्यू वही है, वही ये पूरा अगर देखोगे तो ये 1 + 1 1/2 हो जाएगा, माइनस ये -+1/2 i हो गया। ये वैल्यू को अगर सिंप्लीफाई करोगे ना तो यही आने वाला है जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 6 नंबर का क्वेश्चन अगर देखेंगे तो 1 + i पे 6 पावर है और -1 पर -i पे होल क्यू है। तो सिंपल सा है, अगर ये बात को समझ गए ना, देखो यहाँ पर जो किया है वो समझ में आ गया कि वो जो 6 पावर है, पहले हमने इसके ऊपर स्क्वायर किया है फिर क्यूब कर दिया है, तो 2 × 3 = 6 पावर हो गया। स्क्वायर की वैल्यू ये आई है, उसके ऊपर क्यूब है, और ये क्यूब की वैल्यू यहाँ पर लिख दिया है। फिर बाद में इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया है, इसको भी सिंप्लीफाई किया है, फिर उसके बाद इसका क्यूब अगर देखा जाए, इसका देखो 1 - 1 कैंसल, बचा सिर्फ 2i, 2i का क्यूब क्या हो जाएगा 8i³ हो जाएगा। यहाँ -2 इसका आ रहा है और -2i आ रहा है। फिर i³ को अगर देखोगे तो i² × i होगा, जो -8i आ जाएगा, और ये -8i होगा और ये -2i है, तो दोनों ऐड होके -10i हो गया, ये आंसर आ जाएगा। इजी है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, थोड़ी सी प्रयास मेहनत करेंगे तो आ जाएगा। अभी इस वाले 7 नंबर के क्वेश्चंस में क्या बोल दिया है, फाइंड द कंजुगेट्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी ये पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर बाद में इसका कंजुगेट निकालेंगे। अब देखो इसको सॉल्व करना है तो सिंपल न्यूमरेटर को पहले डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से सॉल्व कर लो। देखो यहाँ पर क्या किया है, 1 का 2 से, फिर 1 का i से, i का 2 से, फिर i का i से, तो ये वैल्यू आ गई। फिर इसको सिंप्लीफाई किया तो यहाँ पर आ गया, फिर इसको रेशनलाइज किया, देखो यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस रख के रेशनलाइज किया, फिर ऊपर की वैल्यू मल्टीपल, नीचे की वैल्यू a + b a - b का फॉर्मूला लगाया यहाँ पे, फिर बाद में ये वैल्यू आ गया। और इसमें आप देखोगे +3 और +3 6 हो गया, और माइनस प्लस में अगर कर रहे हैं तो 8i आ गया। इस तरीके से आपका ये वैल्यू आ गया, ठीक है, ये वैल्यू आया। अब इसका आपको क्या करना है, कंजुगेट निकाल देना है। क्या करना है, इसका कंजुगेट निकाल लेंगे। तो सिंपल सा आता है, यहाँ जो प्लस है वो यहाँ माइनस हो जाता है, बस यही है कंजुगेट में डिफरेंस। क्लियर, नेक्स्ट नंबर 8 नंबर की बात कर लेते हैं। ये एकदम सिंपल है, i 30 है, i 80 है और i 120 है। तो i पे क्या कर ले, देखो ये 4 वाला फॉर्मूला भी है, अगर i⁴ है ना तो सीधा वैल्यू 1 हो जाती है, i⁴ करो उसके ऊपर स्क्वायर करो, बात वही हो जाता है, i² की वैल्यू -1 उसके ऊपर स्क्वायर 1 हो जाता है ना, उसी से है। तो 4 के पावर में भी आप कर सकते हो, देखो 4 × 7 = 28, बचा 2 i² कर लिया, फिर i⁴ 4 × 20 = 80 हो जाता है, यहाँ 4 × 30 हो जाता है। देखो ये वाली वैल्यू जो है ना, इसकी वैल्यू 1 हो गई और i² की वैल्यू -1 हो गया, इस पूरे की वैल्यू क्या आ गया -1,
यहाँ पर अगर देखोगे तो ये तो पूरा वन हो गया, यहाँ पर भी देखोगे तो ये पूरा वन हो गया, ये तो इसे कैंसल आ गया सिर्फ वन। देखो यहाँ पर भी दिया हुआ। सिंपल है, इजी है, अगर समझ में आ जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं समझ में आए तो ही दिक्कत होता है। नाइन्थ नंबर की अगर मैं बात करूँ तो देखिए क्या बोला, फाइंड द कंजुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट। पहले तो इसको सिंप्लीफाई करो, क्योंकि डिनोमिनेटर के टर्म में न्यूमिनेटर में रहना चाहिए, तो वही कर दिया, रैशनलाइज कर दिए। रैशनलाइज करने पे ये वैल्यू आ गया, ठीक है, ये है आपका जेड। कंजुगेट जेड में क्या होगा, यहाँ जो साइन है वो साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। कंजुगेट में यहाँ माइनस है, एक्चुअली प्लस था, प्लस था, यहाँ पे देखो प्लस है, तो उसका कंजुगेट में माइनस हो गया है, ठीक है। कंजुगेट में क्या हो गया, माइनस हो गया, यहाँ पे होना चाहिए माइनस, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो माइनस आएगा, ये इस तरीके का वैल्यू हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ 10 नंबर का, तो क्या बोला है, फाइंड रियल वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच कॉम्प्लेक्स नंबर, ये प्योरली रियल है। देखिए जेड इक्वल टू ये दिया हुआ, रैशनलाइज कर लो, यहाँ वन माइनस था तो वन प्लस कर लिया, ऊपर का मल्टीप्लीकेशन किया नीचे किया, ठीक है, तो ये 1 2 cos² θ 4 cos² θ हो गया। अब ऊपर की वैल्यू सॉल्व किया तो 1 2 cos² θ और 3 i cos θ, तो रियल पार्ट वाले को एक साइड में कर लिया, इमेजिनरी पार्ट को एक साइड में कर लिया, क्लियर। अब यहाँ पर जो बोला है कि प्योरली रियल है, वी नो डेट जेड इज प्योरली रियल ऑन वाई इमेजिनरी पार्ट जेड इक्वल टू जीरो हो जाता है, ठीक है। जब रियल हो तो इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जेड में जेड इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो इमेजिनरी पार्ट क्या है, ये 3 cos θ 1 + 4 cos²θ, तो इसको हमने क्या कर लिया, जीरो कर लिया, तो ये और नीचे वाला पार्ट इधर जब जाएगा तो जीरो हो जाएगा। 3 cos θ, cos थीटा की वैल्यू जीरो, मतलब थीटा की वैल्यू जीरो, cos थीटा की वैल्यू जीरो कौन कब होती है, पाई बाय टू एंगल पे, तो आपको एंगल तो मिल गया पाई बाय टू। अब थीटा जो होता है, जनरल सॉल्यूशन इसका जो होता है वो होता है 2n π ± π/2, और n इसमें क्या होता है, बिलोंग टू जेड होता है। तो ये है उसका जनरल सॉल्यूशन, थोड़ा सा एक बार रिपीट करके देख लेना कि ताकि आपको समझ में आ जाए, क्लियर, समझ में आ जाए। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, 11 नंबर की बात कर लेते हैं। 11 नंबर में आपके सामने जो दिया हुआ है, बोला है कि फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर हेंस द ईच ऑफ देम इन पोलर फॉर्म। पहले तो क्या, ये जो दिया हुआ है साइन 120 आई कॉस साइन 20, तो इसको इस फॉर्म में हमने कर लिया, और इसका हमने क्या निकाल लिया, जेड मॉडुलस निकाल लिया, तो मॉडुलस 1 आ रहा है, ठीक है। आर्ग्यूमेंट निकालेंगे, आर्ग्यूमेंट टेन अल्फा इक्वल टू इमेजिनरी जेड अपन रियल जेड, तो 1/2, देखो 1/2 इमेजिनरी पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड है, अगर देखोगे तो क्या है, यहाँ पे ये है 1/2, यही है ना, और रियल पार्ट √3/2, इसको अगर देखोगे तो 1/√3 आ रहा था, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गया, π/6 आ गया। अभी ये जो वैल्यू है वो हमको पता चल गया कि ये वैल्यू है, और ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, इसके साइन के बेस पे हमें डिसाइडेड हो जाए, ठीक है, साइन के बेस पे डिसाइडेड हो जाता है। जैसे ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, पहला ये पॉजिटिव है निगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर देखोगे तो अल्फा की वैल्यू π/6 है ना, अल्फा की वैल्यू π/6 आया, तो पोलर फॉर्म में आर कॉस थीटा आई साइन थीटा होता है, वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि आर की वैल्यू 1 है इसलिए इसमें मल्टीपल करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये आपके सामने आंसर आ जाता है। 12 नंबर में अगर आप देखते हो तो आप थोड़ा सा अगर ध्यान दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, यहाँ आई स्क्वायर है, ये 4 है, ये 6 है, 8 पावर है, फिर 10 होगा 12, ऐसे करके। अब यहाँ देखो आई स्क्वायर है, फिर आई 4 है, फिर आई 4 raised to power 1 इंटू आई स्क्वायर होगा, आई 4 raised to power 2, फिर आई 4 raised to power 2 इंटू आई स्क्वायर, ऐसे करके फॉर्मूले होंगे। तो 4 वाले में से 4 जो है वो पॉजिटिव होगा और आई स्क्वायर वाले में निगेटिव होगा, तो इस तरीके से सारे वैल्यू जो कट जाते हैं और लास्ट में आंसर हो जाता है 1। सॉल्व करोगे आसानी से ये समझ में आ जाने वाला है। 30 नंबर की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ एक्स वाई, तो ये सिंपल है, इसको पहले सिंप्लीफाई करना, देखो सब सिंप्लीफाई करके आया हुआ है,
फिर रियल पार्ट के इक्वल इमेजिनरी पार्ट के इक्वल आपने कर देना है। ठीक है, ये करने के बाद से एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड जो आपको बेस्ट लगे वो सॉल्व करिए, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है। ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू इसी तरीके से फाइंड आउट हो जाती है, एक्स की वैल्यू 14/15, वाई की वैल्यू 1/5 आया। सॉल्व करेंगे आसानी से आ जाएगा। 14 नंबर की बात करेंगे तो स्क्वायर रूट बोला है, स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले तो जो आपके सामने दिया हुआ है, ठीक है, जो आपके सामने दिया है तो उसके बेस पे मॉडुलस उसका निकाल लो। मॉडुलस क्या आ गया, 7 आ गया। अब मॉडुलस निकालने के बाद आपने क्या करना है, रियल पार्ट में ऐड करना है और रियल पार्ट में से माइनस कर देना है, रियल पार्ट में ऐड करना और रियल पार्ट में से माइनस कर देना है। देखो अंडर रूट में ऐड करके डिवाइड बाय 2 प्लस अंडर रूट में जो वैल्यू है उसमें माइनस करके डिवाइड बाय 2, तो आपका आंसर ये आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अब मॉडुलस ही इसको फाइंड आउट करना है, तो सिंपल है, सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफाई करो। देखो सिंप्लीफाई करने पर जैसे ये आया, ठीक है, 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपकी वैल्यू जो आ जा रही है और 2 आई आई, और इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा, सिंपल सा मॉडुलस क्या हो जाएगा, 2i का मॉडुलस निकालेंगे तो 2 ही आएगा, तो यहाँ पर आ गया इसका मॉडुलस। ठीक है, सिंपल तरीके से अगर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। लास्ट सेक्शन सी की बात अगर करें तो यहाँ पर तो एकदम सिंपल एकदम इजी क्वेश्चन जैसा दे दिया है, i की वैल्यू i, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, आई स्क्वायर i की माइनस i हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, सारी वैल्यू रखी है, इक्वल टू सॉल्व करोगे तो प्लस माइनस यहाँ पे i हो जाएगा। ठीक है, i एक तो ये यहाँ से i आएगा, एक यहाँ से, यहाँ i है एक यहाँ i है, देखो ये i है, ठीक है, और ये माइनस i है, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, आ गया 0 वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से आपने कर लेना है। ठीक है, तो ये था सेक्शन सी के क्वेश्चंस, तो इसको अच्छे से आपने करना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। धन्यवाद।